हेलो स्टूडेंट्स, हर्षेय एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 अपना चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण 3 पद्धतियों से किया जाता है, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति। अपन ने रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति का नामकरण कल अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ेंगे नंबर 3 IUPAC पद्धति। इस पद्धति में सबसे पहले तो अपने को IUPAC का पूरा नाम आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की यह पद्धति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायन संघ है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। इसका पूरा नाम हो गया आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम हो गया। इस पद्धति के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हैं उनका नामकरण किया जाता है। उनका नामकरण पूर्व लग्न और अनुलग्न जो है उसको जोड़ करके फिर जो शब्द बनता है वो उस यौगिक का नाम होता है, अर्थात उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का नाम होता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, पूर्व लग्न और दूसरा है अनुलग्न। यानी कि इस पद्धति के अनुसार हाइड्रोकार्बन का नामकरण जो है वो निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु है कार्बन परमाणु, यानी कि जो यौगिक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं उनकी संख्या के आधार पर पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि बात यह आई कि पूर्व लग्न होता क्या है, अर्थात ये कहें कि पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण कैसे होता है। जो यौगिक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बनिक उसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे कि उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है 2 है 5 है 7 है 8 है 10 है, कितनी है, उस संख्या के आधार पर पूर्ण लग्न जो है उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में, अर्थात कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो पूर्ण लग्न क्या होगा, 2 है तो पूर्ण लग्न क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, कहने मतलब संख्या जो दी हुई है उसी के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है पूर्व लग्न का। पूर्व लग्न, पूर्व यानी पहले, लग्न यानी लगने वाला, अर्थात जो शब्द लिखेंगे वो पहले लिखा जाएगा पूर्व लग्न। उसके बाद में आता है नंबर 2 हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो दिया हुआ है उसमें जो कार्बन परमाणु हैं उनके बीच बंध एकल है, द्वि है या त्रि है, यानी कि बंध के आधार पर अनुलग्न जो है उसका निर्धारण करेंगे। जो भी यौगिक दिया हुआ है उसके अंदर कार्बन परमाणु जो हैं उनमें देखेंगे कि बंध एकल है, द्वि है या त्रि है। एकल, द्वि और त्रि के आधार पर अनुलग्न का निर्धारण किया जाता है। जैसे ही पूर्व लग्न और अनुलग्न का निर्धारण हो जाता है उसके बाद नंबर 3 आता है पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ कर देंगे, यानी कि पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ करके जो शब्द बना वो उसका नाम बन गया, यानी कि जो यौगिक दिया हुआ है उसका नाम बन जाता है। अब इसमें पहला बिंदु जो है कि कार्बनिक यौगिक जो दिया हुआ है उसमें पूर्व लग्न जो है उसकी पहचान यानी कि उसका निर्धारण कैसे करें, यानी कि उसके अंदर कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसको गिनेंगे कि उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, उसके आधार पर पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण करेंगे। यानी कि टॉपिक है पूर्व लग्न का निर्धारण। पूर्व लग्न का निर्धारण, यानी पूर्व लग्न का निर्धारण
पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है। पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो यौगिक दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है उसके आधार पर पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, कि जो यौगिक दिया हुआ है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है और उसकी संख्या गिनने के तुरंत बाद पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण हो जाता है। ये एक सारणी बनेगी। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या एक है, यानी कोई भी यौगिक दिया हुआ है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक है, तो उसका पूर्व लग्न होगा मेल। यदि दो है तो उसका होगा एक। यदि तीन है तो उसका होगा प्रो। यदि कार्बन परमाणु की संख्या चार है तो उसका होगा ब्यूट। यदि कार्बन परमाणु की संख्या पांच है तो होगा पेंट। यदि कार्बन परमाणु की संख्या छह है तो उसका होगा हेक्स। यदि सात है तो उसका होगा हेप। यदि आठ है तो उसका होगा ओक्ट। यदि नौ है तो उसका होगा नौ। यदि दस है तो उसका होगा डेक। कार्बन परमाणु जो है उनमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण किया जाएगा। कोई भी यौगिक जो दिया हुआ है जिसका अपने को नामकरण करना है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो पूर्व लग्न होगा मेल, दो है तो ए, तीन है तो प्रो, चार है तो ब्यू, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप, आठ है तो ओक्ट, नौ है तो नॉन और दस है तो डेक। ये कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे और उसके आधार पर पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे। इसके बाद आता है अनुलग्न। अनुलग्न जो है उसका निर्धारण अनुलग्न का निर्धारण यौगिक में उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर किया जाता है। ये जो यौगिक दिया हुआ है उसमें कार्बन कार्बन जो परमाणु है उसके मध्य बंध देखेंगे, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो अनुलग्न होगा एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो अनुलग्न होगा इन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो अनुलग्न होगा आयन। अनुलग्न का निर्धारण यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच बंध को देखेंगे। बंध यदि एकल है एकल तो अनुलग्न होगा एन। यदि द्विबंध है तो अनुलग्न होगा इन। यदि त्रिबंध है तो अनुलग्न होगा आइन। जैसे ही पूर्व लग्न और अनुलग्न का निर्धारण हो जाता है दोनों को जोड़ करके
हाइड्रोकार्बन जो है उसका नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ एक यौगिक है जिसमें मान लेते हैं कार्बन परमाणु जो है उनकी संख्या 4 है, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो इसका पूर्णांक क्या होगा? ब्यूट। अभी संख्या के आधार पर पूर्णांक का निर्धारण होता है, जिसमें कोई भी यौगिक जो दिया हुआ है जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये कोई यौगिक है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, कार्बन परमाणु जो है उनकी संख्या आ गई 4, उसके आधार पर उसका पूर्व लग्न हो गया ब्यूट। नामकरण करेंगे पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, पूर्व लग्न का निर्धारण हो गया इसमें ब्यूट, यहाँ पूर्व लग्न के स्थान पर रख देंगे ब्यूट, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है? एकल, एकल बंध है, तो अनुलग्न क्या आएगा? एन, यहाँ अनुलग्न के स्थान पर रख देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। यदि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और पूर्व लग्न ब्यूट है, ब्यूट प्लस एन, द्विबंध है तो अनुलग्न होगा एन, तो वो हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार यदि कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है और पूर्व लग्न मान लेते हैं वही है ब्यूट, तो त्रिबंध है तो अनुलग्न हो जाएगा आइन, नाम उसका हो जाएगा ब्यूटाइन। इस प्रकार से आईयूपीएसी पद्धति में कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किया जाता है, यानी कि सबसे पहले पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे, उसके बाद अनुलग्न, पूर्व लग्न जो है उसका निर्धारण होगा यौगिक में दिए हुए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे ये था, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 थी, जिनका पूर्व लग्न हो गया ब्यूट और अनुलग्न इनके मध्य एकलबंध है, क्योंकि इसकी अगर ये तो दिया हुआ है अणुसूत्र, यदि इसका हम संरचना सूत्र बनाएं तो बनेगा C C C C, 4 कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु जो है उसकी संरचना 4 है, प्रत्येक कार्बन परमाणु की संरचना को संतुष्ट कर दो, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो, जुड़ गए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे तो बंध जो है उसका निर्धारण हो गया कि कितना है, एकल है, द्वि है या त्रि है, यहाँ इसका संरचना सूत्र देखेंगे उससे स्पष्ट हो गया कि बंध कैसा है, एकल बंध कैसा है, एकल, एकल बंध है, तो इसके आधार पर अनुलग्न जो है वो आ जाएगा एन। इसी प्रकार यदि इसमें इसकी संरचना देखें तो ये हो जाएगा CH2 CH CH2 CH3। यदि इसकी संरचना सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा C D1 C एकल 1 C एकल 1, संरचना दो पहले से है, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, दो इसकी है, ये इसकी 4 हो गई, जहाँ है वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, जुड़ गए, सभी कार्बन परमाणु की उनकी संरचना पूरी होगी, ये तो हो गया उसका अणुसूत्र, और ये है उसका संरचना सूत्र ब्यूटेन का। अब यहाँ देखो इसमें द्विबंध दिख रहा है, इसका मतलब अनुलग्न क्या है? इन। किसी प्रकार से ब्यूटाइन जो है यानी अनुलग्न आइन कैसे आया, यहाँ त्रिबंध कर दें इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। यहाँ अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा C 3 1 C 1 1 C C। यहाँ इसकी संरचना पूरी करेंगे तो 3 पहले से है, एक ये हो गई हाइड्रोजन हो गई, इसकी थी 4 पहले से पूरी है,
इसके दो हाइड्रोजन और लगा देंगे, इसके तीन हाइड्रोजन लगा देंगे और ये बन गया ब्यूटाइन। यहाँ त्रिबंध है इसलिए अनुलग्न आया आयन, यहाँ द्विबंध है इसलिए अनुलग्न आया ईन, और पहले जो अपन ने पढ़ा वहाँ एकल बंध थे इसलिए अनुलग्न आया एन। इसी प्रकार से अनुलग्न और पूर्वलग्न का निर्धारण किया जाता है दोनों को जोड़ करके, उसके आधार पर हाइड्रोकार्बन जो है उसका नामकरण किया जाता है। यहाँ जो बंध है कार्बन कार्बन के बीच, उसके आधार पर तीन श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध है तो यहाँ अनुलग्न जो है वो एन, ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच के मध्य उपस्थित बंध, और ये हो गया अनुलग्न, और इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। यहाँ इस श्रेणी का श्रेणी है एल्केन। ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो वो एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा, जिसमें अनुलग्न एन होगा। अणु सूत्र लिखने का सूत्र जो है वो CnH2n+2 होगा, जहाँ एन बराबर क्या है कार्बन यौगिक जो दिया हुआ है, यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। यदि पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं वैसे ही एन जो है वो उसका मान होगा। जैसे यहाँ कोई यौगिक है CH2CH CH3CH2CH3, यहाँ इसमें एन का मान की चर्चा करें तो कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे कितनी है 4, तो यहाँ एन बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ इसमें एन के स्थान पर 4 रखेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा C4H2×4+2, ये हो जाएगा C4H2×4+2, और ये हो गया C4H10। यानी कि ये जो अनुसूत्र है ये एन अनुलग्न वाले एक यौगिक का है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, जिसका पूर्व लग्न ब्यूट है, अनुलग्न एन है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। कल अपन पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी का नामकरण। आज अपन इतना ही, आगे नेक्स्ट